हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर टू कंपोनेंट ऑफ फूड। बच्चों, फूड के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। फूड की इम्पोर्टेंस क्या है, फूड के सोर्सेस कहाँ हैं, कहाँ से हमें फूड मिलता है। मेनली हमने दो सोर्सेस के बारे में पढ़ा था। एक तो हमने पढ़ा था प्लांट्स और दूसरा हमने पढ़ा था एनिमल। उसके बाद हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। फूड की इम्पोर्टेंस क्या होती है, आपने पढ़ा था इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। हमारी कंट्री में डिफरेंट स्टेट्स हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री जिनमें जो पीपल्स रहते हैं, आपने देखा है उनकी फूड हैबिट्स भी डिफरेंट होती है। सम प्रीफर राइस, सम प्रीफर चपातीस, मीट, फिश एट्सेट्रा। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, कंपोजिशन ऑफ सम फूड आइटम्स, बैलेंस्ड डाइट, डिजीजेज ड्यू टू इम्बैलेंस्ड डाइट एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस। ठीक है बच्चों, अब हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं चैप्टर का, न्यूट्रिएंट्स इन फूड। हम जो फूड ईट करते हैं, डिफरेंट टाइप के फूड्स, जैसे आप मीट खाते हो, मिल्क पीते हो, है ना, पर चपातीज, राइस, वीट, मेज, डिफरेंट टाइप के फूड्स, ऑल जो फूड्स होते हैं, इन फूड्स में 7 एसेंशियल कंपोनेंट जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। देर आर 7 एसेंशियल कंपोनेंट कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। दीज आर, ये 7 न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल सॉल्ट्स, वाटर एंड रफीज। अब ये जो 7 कंपोनेंट्स हैं, व्हाट इज देयर इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट आर देयर सोर्सेस। ठीक है ना, ये हम जो यूज़ करते हैं इनको, इनके हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है और ये हमको किन सोर्सेस से बॉडी में मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। इट इज़ एनर्जी गिविंग कंपाउंड, मीन्स अगर हम कार्बोहाइड्रेट ईट करें तो हमें क्या मिलता है, एनर्जी। मेनली पोटैटो, राइस, वीट, है ना, ये जो सीरियल्स हम ईट करते हैं, दीज आर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नंबर टू, फैट्स, इट इज़ ऑल्सो एनर्जी गिविंग कंपाउंड, ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सोर्सेज अगर हम बात करें तो इट इज़ बटर, है ना, ऑयल्स, ठीक है, घी, ये सब जो सोर्सेज होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फैट्स। द नेक्स्ट इट इज़ प्रोटीन्स, बॉडी बिल्डिंग फूड, हमारी जो बॉडी की ग्रोथ होती है, ठीक है ना, बॉडी बिल्डिंग, जैसे हम स्मॉल 1 ईयर के हैं, फिर 5 ईयर के होते हैं, फिर 10 ईयर के होते हैं, तो हमारी बॉडी की लेंथ, ग्रोथ बढ़ती जाती है ना, ठीक है, तो लाइक दैट ये प्रोटीन्स क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। इनके सोर्सेस पल्सेस, मीट, एग, फिश एट्सेट्रा, ठीक है ना, तो ये हमें पल्सेस हैं, मीट है, एग, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन्स। मिनरल्स देट आर इम्पोर्टेंट फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन, बहुत सारे बॉडी फंक्शंस के लिए, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस क्वान्टिटी, इनकी ज़रूरत हमें बहुत कम होती है, बट दे आर एसेंशियल, लेकिन ये क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो मिल्क, चीज़, ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स, दैट व्हाट प्रोवाइड अस मिनरल्स। फिर विटामिन्स, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडीज, हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए किनकी रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन्स की होती हैं, और विटामिन्स ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, ठीक है ना, ये सारे इसके सोर्सेज हैं। इन्हें ईट करने से हमें क्या मिलता है, विटामिन्स। रफीज, रफीज आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर डाइट, दैट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन,
कॉन्स्टिपेशन समझते हो बेटा, जो कब्ज होता है ना, कब्ज, उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं रफेज। इनके सोर्सेज होते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दलिया, है ना, हाफ कॉर्न सीड्स एटसेट्रा, एंड द वाटर। वी यूज़ द वाटर, इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर हम यूज़ करते हैं, टैप वाटर, है ना, रिवर वाटर, इवन फ्रॉम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी ऑल्सो टेक द वाटर। सो इट इज़ ऑल द सेवन कंपोनेंट्स एंड देयर सोर्सेस। नाउ दीज ऑल सेवन कंपोनेंट्स जो अपन बात कर रहे थे, उनको हम कंबाइनिंगली मेजरली थ्री टाइप से डिवाइड करते हैं, थ्री फूड ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर रोल इन द बॉडी। आपके सामने पूरा एक पिक्चर्स दिख रहा है। फर्स्ट एनर्जी गिविंग, अब देखिए एनर्जी गिविंग में आप देखिए रूट्स एंड ट्यूबर्स, जैसे पोटैटोस आपको दिख रहे हैं, सीरियल्स दिख रहे हैं, शुगर दिख रहा है, ऑयल दिख रहे हैं, तो ये मेनली सोर्सेस कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, एंड व्हाट दैट प्रोवाइडर्स एनर्जी। सो दीज टाइप ऑफ फूड आर व्हाट ऑफ एनर्जी गिविंग फूड। नंबर टू, इट इज़ अबाउट ऑफ बॉडी बिल्डिंग। यू आर लुकिंग इन बॉडी बिल्डिंग, यू आर लुकिंग एग, मीट, फिश, है ना, पल्सेस, नट्स, सो दीज आर व्हाट ऑफ बॉडी बिल्डिंग। जनरली या सिंपली हम ये कहें तो प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, ये क्या हैं, बॉडी बिल्डिंग। और तीसरे हैं प्रोटेक्टिव फूड। अब प्रोटेक्टिव मीन्स बॉडी में जो हमको डिजीज़ वगैरह होती हैं, जो फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन करते हैं, है ना, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, तो इन प्रोटेक्शन में है पपैया, कैरेट, आंवला, मैंगो, ऑरेंज, तो दिस इज़ द थर्ड टाइप, इट इज़ प्रोटेक्टिव। तो स्टूडेंट अगर हमसे पूछें कि थ्री टाइप्स या थ्री फूड ग्रुप्स बेस्ड ऑन द रोल इन बॉडी, तो टाइप्स ऑफ फूड की अगर हम बात करें तो ये कितने टाइप्स के हमने देखे यहाँ पर, थ्री टाइप्स। कौन कौन से हैं, एनर्जी गिविंग, है ना, बॉडी बिल्डिंग, और तीसरे क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। ओके, नाउ कंपोजिशन ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है, जैसे हम लोग राइस ईट कर रहे हैं, मिल्क पी रहे हैं, पल्सेस खा रहे हैं, ऑरेंज खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, अब उनमें जो कंपोनेंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका परसेंटेज कितना होता है, कंपोजिशन क्या होता है उनका। जैसे एग्जांपल हमने कहा कि राइस और वीट, ये सीरियल्स हैं, अब इसमें प्रोटीन कितना है, 10% है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, 70% है, और फैट इसके अंदर बहुत नहीं के बराबर है, ट्रेस, है ना, वेरी लेस। मिल्क में प्रोटीन 3%, कार्बोहाइड्रेट 3%, है ना, फैट्स भी कितना है, 3%। पल्सेस, है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यू आर लुकिंग दिस परसेंटेज गिवन, तो इट इज़ द वोट ऑफ कंपोजिशन। लाइक एग्स, आप देखिए एग्स है तो एग्स में है प्रोटीन 13%, कार्बोहाइड्रेट ट्रेस है, और फैट्स कितना है, 13। ऐसे ही जो मीट या फिश है उसमें भी प्रोटीन 20% हमको दिख रहा है, और स्पेशली आपने देखा शुगर, शुगर दैट इज 100% कार्बोहाइड्रेट। सो दीज आर सम ऑफ द कंपोजिशन ऑफ फूड आइटम्स, के फूड आइटम्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की वैल्यूज परसेंटेज क्या होता है। ओके, थैंक यू फॉर ऑल।